एक बार फिर दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई। एक बार फिर दहशत गर्दों के नापाक मंसूबों को देश के रखवालों ने नेस्तनाबूत कर दिया। सोपोर में शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के जवानों ने लश्कर के दो आतंकियों को ढेर कर दिया। सोपोर पुलिस को पक्की सूचना मिली थी कि बारामूला जिले के सोपोर के वारापोर में दो आतंकी छिपे हैं। खबर मिलते ही सोपोर पुलिस 22 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक्शन में आ गई। उस घर को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। आतंकियों ने गोली चलाई तो जवाब में गोलियों की बौछार हुई। दोनों आतंकी वहीं ठोक दिए। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान लश्कर के कमांडर फैयाज वार के रूप में हुई। उत्तरी कश्मीर में कई आतंकी वारदात में वो शामिल था। जुलाई के महीने में जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की गोलियां बरस रही हैं। जरा आंकड़ों से देखिए, 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 8 जुलाई को 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी मार दिए गए। 14 जुलाई को पुलवामा में 3 आतंकी मारे गए। 16 जुलाई को 2 आतंकी मारे गए। 19 जुलाई को शोपिया में लश्कर का आतंकी इस्फाक डार अपने एक साथी माजिल इकबाल के साथ ढेर हुआ और अब लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। पुलिस ने विस्फोटकों से लैस चीनी ड्रोन मार गिराया। कब्जे में आए ड्रोन के साथ 5 किलो आईडी मिला है। ड्रोन 17 किलो से ज्यादा का वजनी था। शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रोन चीन का बना हुआ है। का आतंक जो है वो लगातार जारी है और एक बार फिर यहाँ पर जो है एक ड्रोन देखा गया कानाचक इलाके में, जो कि जम्मू के ग्रामीण इलाके में पड़ता है। तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है जम्मू शहर से कानाचक, और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के कानाचक पुलिस स्टेशन में, और इसी इलाके में जो है ड्रोन देखा गया था। लेकिन एक स्पेसिफिक इनपुट था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, और जैसे ही उस ड्रोन की हरकत देखी गई, उस ड्रोन को जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मियों ने मार गिराया। और बाद में उस ड्रोन के अंदर जब छानबीन हुई तो उसमें आईडी पाई गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा थी जम्मू शहर को दहलाने की, यानी कि इस आईडी का प्रयोग जो है एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने के लिए किया जाने वाला था। और यहाँ पर जो मुस्तैद पुलिस कर्मी है उन्होंने आतंकियों की जो ये साजिश है इसको विफल कर दिया, जो अभी तक जानकारी मिली है हमें। और जो हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह से, उन्होंने कहा है कि ये जो आईडी है ये सीमा से आई थी ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अभी जांच लगातार जारी है। लेकिन जम्मू संभाग में जो है ड्रोन का खतरा लगातार बना हुआ है। जब से जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमले करवाए, तब से जो है यहाँ पर हाई अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है ड्रोन की हरकत देखी जा रही है। लेकिन अभी जो अच्छी बात सामने ये आई है कि कल रात को जो ड्रोन देखा गया उसको तुरंत ही मार गिराया गया और उसके अंदर जो है आईडी पाई गई। पिछले 2 वर्षों से हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर जम्मू में जो है हथियार भेजने के लिए, लेकिन जब से वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमले करवाए हैं तब से सुरक्षा एजेंसियों की जो है चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का प्रयोग जो है आतंकी वारदात करवाने के लिए किया गया। फिलहाल जो है सुरक्षा की समीक्षा हो रही है समूचे जम्मू कश्मीर में। हमने देखा है कि यहाँ पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, खासतौर पर जो संवेदनशील सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है। आतंकी वारदात जो थी, जो होने वाली थी, जो हो सकती थी, उसको विफल कर दिया गया है। आतंकवादियों और उनके आकाओं को ये सफल ऑपरेशन साफ संदेश है कि उनकी हर साजिश का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुनील जी भट्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।